बनाएंगे ड्राई मशरूम। इसके लिए लिया है हमने मशरूम, मशरूम करीब इतना ले लिया है हमने। मशरूम को अच्छी तरह से धो के इस तरह से काट लिए हैं। दो कटे हुए प्याज, प्याज को काट के इस तरह से कर लिए हैं हमने। तीनों कलर की शिमला मिर्च, इन्हें भी बारीक काट लिया है। स्प्रिंग अनियन, दो टेबलस्पून टमाटो केचप, एक चम्मच अदरक और मिर्च, दो चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, थोड़ी सी प्याज की कली। गैस पे एक फ्राइंग पैन चढ़ा लें, इसमें एक चम्मच तेल डालें, तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें कटे हुए मशरूम डाल दें, इन्हें तेज आंच पे भुनें। दो से तीन मिनट इन्हें रोस्ट करें, इन्हें तेज आंच में ही करें, मशरूम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। मशरूम पानी छोड़ दिया है, दो से तीन मिनट के लिए इसे ढक दें, गैस को धीमी आंच पे कर दें। मशरूम हो रहे हैं, इतनी देर एक और फ्राइंग पैन चढ़ा लें, इसमें दो चम्मच तेल डालें, तेल को अच्छी तरह फैला लें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये लहसुन डाल दें पहले। अब इसमें ये अदरक मिर्च डालें। लहसुन अदरक मिर्च भून चुके हैं, अब इसमें ये टमाटो केचप डाल दें। बिल्कुल थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डालें। अब इसमें ये कटे हुए प्याज डालें, अच्छी तरह से चलाएं। प्याज की कली भी डाल दें। अच्छे से मिक्स करें। ये दो तीन मिनट फ्राई कर लें। मशरूम हो चुके हैं, गैस को बंद कर दें, इन्हें वापस से ढक के छोड़ दें। प्याज हो चुके हैं, अब तीनों कलर के शिमला मिर्च डाल दें, थोड़ा चलाएं, मशरूम डाल दें। स्प्रिंग अनियन भी डाल दें, थोड़े से स्प्रिंग अनियन रख लें, इन्हें मिक्स करें। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में हमने घोल लिया है, अब इसके ऊपर ये डाल दें। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और आधा कप पानी, इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें ये काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, अच्छे से मिक्स करें। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगता है, नमक आप एक बार टेस्ट कर लें सर्व करने से पहले। ये करीब रेडी हो चुका है,
दो से तीन मिनट इसे पकाएं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए। ये रेडी हो चुका है, गैस को बंद कर दे और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अब इस पे थोड़ा लेमन जूस डाल दें। ड्राई मशरूम रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें।